सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम इसको माई नहीं बोलेंगे, आज लास्ट ये ब्लॉग है जिसमें अपना चैनल को माई बोल के बोलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को मालूम चलेगा। अभी से हम बोलेंगे वेलकम बैक टू आवर चैनल। वो आवर क्यों होने जा रहा है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मालूम चलेगा। सो गाइस, आज बहुत दिन गैप हो गया फिर से वापस, सॉरी उसके लिए भी, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम ट्राई करिए ये वीडियो कंटिन्यूस डालो बोल के। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है, एक नया जापानी स्टोर खुला है यहाँ पे आपका 0.3 तिनाली में, तो वो जगह को एक्सप्लोर करेगा। जैसे कि हम पहले कोरियन स्टोर के बारे में बनाया था, अगर हम जापानी स्टोर को छोड़ देगा तो एक तरीके से उसको हम डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिस्क्रिमिनेट कर दिया जैसे हो जाएगा ना। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि आज वो मिनीसो नाम का एक जापानी स्टोर खुला है तो उसको एक्सप्लोर करने जाएगा और वहाँ पर क्या क्या चीज़ मिलता है, जैसे कोरियन स्टोर में क्या क्या मिला था हम उसको बताया था, तो वहाँ पर जापानी स्टोर में क्या क्या मिलेगा उसको हम बताएगा। और हो सकेगा तो आज हम लोग गोम्पा जाने का भी प्लान है, उसको भी दिखाएगा गोम्पा मंदिर, जो इटानगर का आदमी को तो पता होता होगा लेकिन जो इटानगर से बाहर है वो लोग को इतना आइडिया नहीं होता होगा, तो वो लोग को भी बता देगा क्या है, किधर है इटानगर, कितना सुंदर है, दिखाने की कोशिश करेगा। सो आज मेरा साथ है मेरा एक दोस्त जो आज मेरा कैमरा मैन है, वो वहाँ पर बैठ रहे, उसका नाम है मिस्टर ताकू आदो, जो मेरा कॉलेज से दोस्त है। हम लोग अभी दोस्त करने वाला लगभग 6 साल हो गया, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, तो वो आज मेरा हेल्प करने आया है, तो उसको हम बाद में आराम से इंट्रोड्यूस कराएगा। तो अभी फ़िलहाल मेरा लोकेशन है ये इंदिरा गांधी पार्क, जो है आपका ठीक बैंक तिनाली में बोलने से हो जाएगा, वहाँ पे है। तो वहाँ से अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, वहाँ पहुँच के आप लोग को मिलता है। तब तक आप लोग को थोड़ा पार्क का सिनेमेटिक शॉट दिखाते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बाद में। सो अभी हम लोग कहाँ पे बता दो। हम लोग अभी IG पार्क में, इंदिरा गांधी पार्क। इसका खासियत क्या है? इसका खासियत ये है, यहाँ सब लोग रिलैक्स होने के लिए आते हैं, वॉक करने के लिए आते हैं और थोड़ा अपना पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। लेकिन हम दोनों अभी आया है व्लॉगिंग के लिए। हम दोनों भी पार्टनर ही एक तरीके से, वी आर बडीज, बहुत अच्छा दोस्त है ना। सो गाइस, दिस वॉज इट, ये था आपका लवर्स पॉइंट और पार्क का, ज़्यादा तो नहीं दिखाया, थोड़ा मोरा ही दिखाया, होप करते आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट अभी हम लोग जा रहे हैं डेस्टिनेशन मिनीसो, तो वहाँ पहुँचने का बाद आप लोगों को वापस मिलता है। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकलेगा, मेरा कैमरामैन कैमरा शॉट लेगा, उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचने का मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। तो गाइस, फाइनली अभी हम लोग मिनीसो पहुंच चुका है। ये जस्ट आपका जो ये SBI है और ये जो रिलायंस का है उसका जस्ट ऑपोजिट में है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मतलब ये वो उसका सामने पहुंच जाने से आप लोगों को सामने में दिखाई देगा। तो अभी हम लोग एंटर करेगा, एंटर करने का तो एक्सप्लोर करेगा, वहाँ का मैनेजर से बात करने की कोशिश करेगा क्या क्या है वहाँ पर। सो लेट्स एंटर द रूम।
वी आर फाइनली इनसाइड मिनीसो. तो अभी हम लोग जस्ट अंदर आया है, तो अभी हम लोग उसका जो जो सामान मिलता है यहाँ पे उसको हम लोग अभी एक्सप्लोर करने चलेगा. तो चलिए आप लोग मेरे साथ, तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे घुसते ही हम लोग को हम राइट साइड से होके लेडीज कॉर्नर में पहले आए. लेडीज कॉर्नर में पहले क्यों आया बोले सर, वैलेंटाइंस डे आ रहा है जैसे कि आपको बता रहे ना. तो अगर कोई लड़का यहाँ पे आता है तो बहुत सारा लड़की को देने के लिए गिफ्ट है ना, तो आप दे सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग कवर अप कर लेगा जो ये लेडीज लोग का पर्स होता है ना, पर्स ही बोलते सर. तो वो सब लोग तो बहुत सारा कलर्स ऑप्शन मिल जाएगा. जो यहाँ पे विजिट नहीं किएगा विजिट करके देना, बहुत सारा कलर्स ऑप्शन है, आप लोग चेकअप कर सकते हैं. तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हुए, तो अभी ये भी पर्स है लेकिन ये सब शायद बच्चा लोग के लिए है, मतलब बेग्स लोग छोटे छोटे पैरा करा वाला जो बच्चा लोग ले सकता है, जो मम्मी पापा आके उसका अपना बच्चा लोग लिए खरीद सकते हैं. तो हम लोग अभी आगे बढ़े गए, आगे बढ़ते ही हम लोग तो ये सेक्शन में आया. तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि वेसल्स लोग होते हैं ना, जैसे प्लांट ग्रो करने के लिए या फिर कुछ सामान रखने के लिए, वो सब सामान लोग यहाँ पे देख सकता है. बहुत सारा आइटम्स है, अलग 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 क्वालिटी का है. ये बड़ा बड़ा वाला वेसल्स भी है. और यहाँ पे ये कुछ प्यारा चीज़ दिखाई दी हमें जो हम लोग का ये मार्वल्स का थीम पे रखा हुआ है, तो वो चीज़ हम लोग देख सकते हैं. ये हैंकी है क्या, पता नहीं हैंकी होता होगा. और यहाँ पे हम लोग जैसे देखेगा ये भी आप लोग का हैंकी है पूरा, अलग अलग क्वालिटी का, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है. तो छुटके भी बहुत गर्म गर्म है, अच्छा लगता है देखने के लिए. और ये क्या चीज़ है, कुछ सामान रखने के लिए होता होगा, सोप होल्डर. यहाँ पे हम लोग अपना सामान जो बर्तन का सामान वो रख सकते हैं. करते हुए हम लोग देख सकते हैं ये रोज वाला कुछ स्पेशल है जो यहाँ पे पानी स्टोर करते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ सामान स्टोर कर सकते हैं हम लोग. और आगे है ये पूरा लड़की का सेक्शन हो गया जो बाल के लिए होता है, जो हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि ये बहुत सारा डिजाइन डिजाइन का फॉर्म है जो लड़के लोग आराम से यूज़ कर सकता है. वो मिरर देखिए प्यारा प्यारा वाला, बहुत सुंदर सुंदर है. और ये लोग तो क्या है हम इतना आइडिया नहीं है, आगे बताने की कोशिश करेगा लेकिन आप लोग क्या क्या है. और ये आया एक लेडीज का आपका जो होता है इयर रिंग का सेक्शन, बहुत ज़्यादा कलेक्शन है यहाँ पे. तो कंपनी शोकेस किया है लेकिन एक्चुअली बहुत सारा है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं. और ये हो गया आपका किचन का कुछ जो स्पून फ्लोक होता है, अलग अलग आइटम निकालने के लिए, वो सब है यहाँ पे. और यहाँ पे ये लोगों क्या बोल रहे हैं, हुसैन हुसैन ही बोलते हैं, हुसैन का क्या है सोने के लिए, थोड़ा रेस्ट करने के लिए काम आएगा. सो आगे बढ़ते हैं, चलिए चलो फिर दूसरा टॉइस लोग है. आपका जो मार्वल्स का थीम है उसी के ऊपर में यहाँ पे स्पाइडरमैन हो गया, आपका कैप्टन अमेरिका हो गया, आयरन मैन हो गया, वो सब है, प्यारा प्यारा है. तो ये आपका चप्पल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुटवेयर, स्लीपर या फिर फुटवेयर जो भी बोल सकते हैं वो बेसिकली ये तो है, मतलब इसमें भी मार्वल्स का कलेक्शन है, उसके बारे में देख सकते हैं. सो गाइस फाइनली अभी हम लोग ये जितना हम लोग एक्सप्लोर करना था करके हो गया. तो वहाँ पे एक स्टाफ को मिला, एक भाई है, तो उनसे हम लोग थोड़ा पूछेगा शॉप के बारे में, शॉप कितना बजे खुलता है, कहाँ पे लोकेशन. तो भाई आपका नाम साहिल इस्लाम का नाम है, आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? एक हफ्ता नया मतलब शॉप भी खुला रहा था, ज़्यादा समय नहीं हुआ, एक महीना हुआ है ना. तो जितना भी व्यूवर्स है यही जगह पे एक बार एक्सप्लोर करके देखिए, अगर जो पसंद सामान पसंद आया तो लीजिए, रेट भी रिजनेबल होता होगा ना, रेट भी अच्छा खासा है, तो आप लोगों को पसंद आने से आप लोग ले सकते हैं. तो ये इसका आपको लोकेशन क्या था? तो ये 0.8 जीरो पॉइंट में आपका रिलायंस का ऑपर होता है ना, KFC का सिला भी आगे से लोग आते हैं. और ये खोलने का टाइम आपका 9:30 से लेके 8 घंटे होगा, और संडे को आपका 2:30 तक. तो आप लोगों को मालूम चल गया है कितना बजे खुलता है कहाँ पे, तो प्लीज़ एक बार आके देखिए, एक बार चेकआउट कर लीजिए. एक्चुअली ये एक्चुअली जापानीज प्रोडक्ट है, मिनीसो लाइक जापान से बना है. तो आप लोगों को जापान का सामान का अगर आप लोगों को पसंद है, जैसे कि कोरिया वहाँ पे गंगा में कोरियन का खुला है ना, तो जिसको कोरियन पसंद है वहाँ जा सकते हैं, जिसको जापानीज पसंद है यहाँ आ सकते हैं. तो एक बार ज़रूर चेकआउट करना प्लीज़ मेरा व्यूअर्स को. और यहाँ का स्टाफ लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है, उसके लिए हम सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं. गाइस वी आर फाइनली डन विथ मिनीसो, अभी मिनीसो को एक्सप्लोर कर लिया. अभी हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गोम्पा मंदिर ना, गोम्पा मंदिर जाएगा ना. यस घूमने लो, आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं आगे. सो गाइस दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द व्लॉग. अभी हम लोग है गोम्पा मंदिर में,
तो गोम्पा मंदिर तो सब लोग जो इटानागर बैठते हैं सबको तो मालूम ही होता है कहाँ पे है। ये आपका जीरो पॉइंट से ही जहाँ एक रास्ता घुसता है तो वहाँ से उठ जाने से मिल जाएगा। जो इटानागर का बाहर है जो गोम्पा नहीं देखा है उन लोग आज देख सकते हैं मेरा वीडियो के थ्रू गोम्पा मंदिर कितना सुंदर है। एक्चुअली में पूरा इटानागर ही सुंदर है। आप लोग जो भी इटानागर में नहीं है वो लोग आ सकते हैं। आना भी बहुत ईजी है। दो रास्ता है इटानागर आने का, एक है बांदुदवा में एक है होलोंगी से। तो कोई भी रास्ता से आ सकता है और घूमने के लिए बहुत सारा यहाँ पे जगह है। हम सकने से मेरा व्लॉग में जितना हो सके ये टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। तो आज के लिए है गोम्पा मंदिर, तो चलिए अंदर घुसते हैं। ये है मिस्टर ताकू अदो, जिसको हम अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। अभी वो खुद को अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मिस्टर ताकू अदो, बताइए आप अपने बारे में। माय सेल्फ ताकू अदो, हम हेम का दोस्त है एंड हम लोग अभी तक स्टूडेंट ही है, तो और कुछ बोलने के लिए नहीं है मेरे पास। थैंक यू। सो ये बहुत शर्मिला लड़का है। सो गाइस, दिस इज़ द एंड टुडे। आज का व्लॉग इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को मिलता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर जरूर कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और थैंक यू मिस्टर ताकू अदो, जो मेरा आज बहुत हेल्प किया कैमरा पकड़ने में, पे फास्ट से लेके लास्ट तक। तो उनको भी हम थैंक्स बोलना चाहता है। तो आप कुछ मेरा व्यूअर्स को बोलना है? बाय बाय बाय। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल और प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। टाटा।